बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टुवर्ड्स मार्स। आज हम 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज के हम जो एमसीक्यूज हैं वो उसमें 2nd और 3rd दिसंबर के एमसीक्यूज कवर करेंगे। आज का पहला एमसीक्यूज, व्हाट इज द नेम द जापान स्पेस एजेंसी व्हिच हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट हैज सक्सेसफुली यूज्ड स्टीम टू प्रोपल इट्स स्पेसक्राफ्ट। जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने जो एक स्पेसक्राफ्ट जो उन्होंने लॉन्च किया है, सक्सेसफुली लॉन्च किया है, उसका नेम क्या है? जी, उसका नेम जैक्सा है। तो आप इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन ज़रूर पढ़िएगा, ये किस पर्पज़ के लिए है, तो इससे आपकी अच्छी लर्निंग होगी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन इंटरनेशनल टाइक्वांडो रशियन ओपन चैम्पियनशिप इन रशिया? जी, किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंटरनेशनल टाइक्वांडो रशियन ओपन चैंपियनशिप में, जो कि रशिया में ही हो रही थी? तो ये फातमा तो जहरा, जो कि पाकिस्तानी है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इसमें विन किया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज रिसेंटली ट्रांसलेटेड द कुरान एंड सही बुखारी इन टू कोरियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री? जी, किसने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सही बुखारी और कुरान का तर्जमा किया है कोरियन में? तो इनका नेम डॉक्टर हामिद चोई योंग किल हफीजुल्ला है, जिन्होंने इस कुरान का इन्होंने कुरान पाक और सही बुखारी का ट्रांसलेट किया है कोरियन में। क्वेश्चन नंबर 4। जोनाथन द टोटोइस हैज बिकम द प्लैनेट्स ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल एवर बाय रीचिंग? जी, जो एक आपको शायद इस चीज का इल्म होगा कि एक कछुआ है जिसका नेम है और इसको एक बैच आईडी भी दी गई है प्रॉपर, तो वो इस लैंड का कह सकते हैं, इस दुनिया का उसके जानवर के हिसाब से सबसे ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है। तो उसकी एज कितनी हो चुकी है? 190 ईयर्स उसकी एज हो चुकी है। तो अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। Who has become the first ever female SHO in railways police? जी, रेलवे में पहली मरतबा एक SHO बनी है रेलवे पुलिस की, तो उनका नेम क्या है? नौशीन कंवल उनका नेम है, जो कि पहली फीमेल SHO रेलवे पुलिस बनी है। क्वेश्चन नंबर 6। Which country has assumed UNSC presidency for December 2022? जी, कौन सी कंट्री ने अजूम किया है यूएनएससी प्रेसिडेंसी को दिसंबर 2022 को? जी, ये अज्यूम करेगी इंडिया यूएनएससी प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन नंबर 7। सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू होस्ट अ चाइनीज अरब समिट ऑन डैश? जी, सऊदी अरेबिया जो है ये चाइनीज समिट जो है ये कब होस्ट करने जा रहा है? जी, ये 9 दिसंबर को ये समिट जो है ये होने जा रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। When we observe National Sindhi Traditional Day in every year? जी, पाकिस्तान का कौमी और सकाफती सिंधी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे आज के क्विज की। क्वेश्चन नंबर 1। थिकनेस ऑफ द लाइन इज चेंज इन? जी, जो थिकनेस होती है लाइन की, आप कह सकते हैं वर्ल्ड में, तो इसको जब चेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब कि अगर उसकी लाइन की थिकनेस बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? शेप स्टाइल, लाइन थिकनेस, थिकनेस स्टाइल या शेप लाइन थिकनेस? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। सियाचिन डिस्प्यूट स्टार्टेड इन? जी, कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सियाचिन का जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और इंडिया में, तो ये कब शुरू हुआ था? तो इसकी भी आंसर हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। मीटर इज द यूनिट ऑफ? जी, मीटर जो है ये किस चीज का यूनिट है? स्पीड का, टाइम का, मास का या लेंथ का? तो इसका भी आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज? जी, ये जो एमसीक्यूज है ये अगर कहा जाए, जितनी बार भी कहा जाए तो वो उससे कम है, तो ये एमसीक्यूज बहुत बार पूछा जाता है कि इंसान की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, टिबिया, पेल्विस, फेमर या जा? तो आप जरूर इसके बारे में बताइएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 5। एबी डी विलियर्स बिलोंग्स टू विच कंट्री? जी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ जो फेमस प्लेयर होते हैं उनका नेम पूछा जाता है कि ये किस
एक टीम से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो याद रखिए आप हर लिहाज से आपको परफेक्ट होना चाहिए। तो सॉरी बात करते हैं, तो बताइए वो कौन सा जो खिलाड़ी है वो किस एब्रिविले जो है किस टीम से बिलोंग करता है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। अब हम बात करेंगे जो हमने लास्ट क्विज पढ़ा था 3 नवंबर को उसकी। जी एसिड प्रिसिपिटेशन रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन मॉडिफिकेशन ऑफ जी द कार्बन एंड द नाइट्रोजन साइकिल जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द बर्ड्स हु फीड मराइन फूड रिमूव साल्ट वन ग्लैंड्स रेक्टल एंड रेक्टल साल्ट ग्लैंड। जी ये रिमूव करता है रेक्टल साल्ट ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना सॉरी भूटान। जी आर्चरी जो है वो भूटान का नेशनल स्पोर्ट है, इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा क्रीम वॉज फेमस इन आईटी। जी इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत ही अफसोस की बात होगी, लेकिन इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। तो हमने एक और क्वेश्चन पूछा था कि अल्फा क्रीम टावर भी एक पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो कहाँ पर मौजूद है? तो हम आपको बताते हैं पाकिस्तान में वो लाहौर में मौजूद है, और उसमें एक यूनिवर्सिटी के तौर पर भी उसमें एजुकेशन चल रही है। बेशक अब यूनिवर्सिटी ने अपनी बिल्डिंग बना ली, लेकिन उसी के नाम से वो जानी भी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ICS जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो यूज इन 3rd जनरेशन में ये यूज हुए थे, तो आपको याद रखना चाहिए 1st, 2nd, 3rd, 4th में क्या यूज हो रहे हैं और 5th में क्या यूज हो रहे हैं। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत आज के करंट अफेयर्स जो हमने आपके साथ शेयर किए, और हमने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू और टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उनको शेयर किया। थैंक यू, खुदा हाफिज़, जजाकल्ला, अपना ख्याल रखिएगा।